जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है और जरा सी हवा चलने पर युद्ध की चिंगारी बढ़ सकती है और पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ सकता है और क्या पता उसका नामो निशान भी ना हो। और इस बात की चिंता पाकिस्तान सरकार से ज्यादा चीन को सता रही है। भारत के खुफिया विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सैनिकों की तैनाती की है। चीन ने पीपल लिबरेशन आर्मी को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC की सुरक्षा करने के आदेश दिए। DNA रिपोर्ट के अनुसार चीन ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोयला खनन की सुरक्षा के लिए सैनिकों को तैनात किया है। थार परकट जिले में है और भारत पाकिस्तान के सीमा से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंध के कई क्षेत्रों में CPCI परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है और जिसका स्थानीय लोग काफी विरोध कर रहे हैं। खुफिया डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान की सीमा के नजदीक चीनी सैनिकों की चहल पहल देखी है। ये लगता है सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यहाँ सैनिकों की तैनाती की गई है। 3000 किलोमीटर लंबी CPCI परियोजना के लिए पाकिस्तान ने 17,000 सैनिकों की तैनाती की है, जिसमें से 400 सैनिक पाकिस्तान आर्मी के विशेष सैनिक है। इसके बावजूद चीन को पाकिस्तान की सेना पर भरोसा नहीं है और उन्होंने चीनी सैनिकों की तैनाती कर दी है। भारत पाकिस्तान की सीमा के नजदीक चीनी सैनिकों की तैनाती भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत की जितनी सुरक्षा बढ़े उतना अच्छा है और ऐसा माना जा रहा है चीन की योजना CPEC की पाकिस्तान की आतंकियों से खतरा हो सकता है। इसी कारण से चीन ने हाल ही में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने से मना कर दिया था। के अलावा बलूचिस्तान में कई समूह भी चीन के CPEC की योजना के खिलाफ है। इन लोगों का मानना है चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन को लूट रहे। आपको बता दें, पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान में चीनी दूतावास पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद।